डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हिमाचल प्रदेश का मनाणा गांव, ये गांव अपने अंदर कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के बीच बसा है मलाणा गांव। इस गांव की आबादी करीब 1700 के आसपास बताई गई है। बताया जाता है कि मलाणा गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। दरअसल इस गांव के लिए कोई सड़क भी नहीं है। पार्वती घाटी की तलहटी में बसे जरी गांव से यहां तक पैदल सीधी चढ़ाई है, जो 4 घंटे में पूरी होती है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो मलाणा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। यहाँ के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सभी बातों को मानती नहीं है। सामाजिक पहलुओं की बात हो रही है तो यहाँ के लोग शादियां भी अपने गांव के अंदर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर जाकर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। इसके अलावा यहाँ की हशीश यानी कि चरस काफी मशहूर है, जिसे मलाणा के लोग हाथों से रगड़ कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेच देते हैं। हालांकि इसका प्रभाव गांव के बच्चों पर भी पड़ा है। बहुत कम उम्र में ही यहाँ के बच्चे ड्रग बेचने के काम में लग जाते हैं। यही वजह है कि मलाणा में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की इजाजत है, क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने ऐसा आदेश दिया है। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से कहानियां भी हैं, जिसमें से एक ये कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाणा गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। बताया जाता है कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाणा गांव में मिली हैं। कहा यह भी जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। कुल मिलाकर मलाणा गांव से जुड़ी तमाम बातें आज भी किसी रहस्य से कम नहीं हैं। इस गांव से जुड़े ज्यादातर पहलुओं पर शोध जारी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com